केंद्र में मोदी सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा और मोदी कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के कटक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने यहां अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में मौजूद रहे, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसके अलावा मोदी कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों ने अपने विभागों और मंत्रालयों का लेखा जोखा पेश किया। केंद्र सरकार में भाजपा के 4 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 4 सालों में भाजपा ने जो वादे लोगों से किए, उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ महंगाई मिली है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शनिवार को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल सीबीएसई 12वीं में 11,86,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बार 500 में से 499 अंकों के साथ नोएडा की मेघना श्रीवास्तव ने टॉप किया। गाजियाबाद की अनुष्का चंद्रा ने 500 में से 498 नंबर हासिल कर दूसरे नंबर पर बाजी मारी। वहीं तीसरे नंबर पर एक या दो नहीं बल्कि इस बार 7 बच्चे आए जिन्होंने 500 में से 497 नंबर प्राप्त किए। मम्मी पापा ने क्या रोल निभाया? मम्मी पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। थ्रू आउट द ईयर मैंने अच्छा पढ़ाई किया है। आई हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। भारतीय सेना के चर्चित अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई को कश्मीर में होटल से एक लड़की के साथ बुधवार को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में उन पर सेना कार्रवाई कर सकती है। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर मेजर गोगोई दोषी है तो उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। सैन्य प्रशासन ने पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी जारी कर दिया है। मेजर गोगोई को सेना की 53 RR से हटाते हुए चिनार कोर मुख्यालय में अटैच कर दिया है, जबकि उनके कमांडिंग ऑफिसर को भी लापरवाही बरतने के कारण 53 RR की कमांड से हटाकर राज्य से बाहर किसी अन्य वाहिनी में अंडर कमांड पोस्टिंग पर भेजे जाने की तैयारी है। अगर मेजर गोगोई ने कोई गलत कार्रवाई करी है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी, और सजा ऐसी दूंगा मैं कि वो एक उदाहरण बन के रह जाए। निर्देशक अभिषेक शर्मा और जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण शुक्रवार को रिलीज हुई। इसे समीक्षकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने पहले ही दिन 4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी बिना वर्दी वाले उस हीरो की दास्तां बयां करती है जिसने अमेरिका की नाक के नीचे 1998 में पोखरण में न केवल 5 सफल परमाणु परीक्षण करवाए बल्कि देश को दुनिया भर में न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा देकर भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल करवाया। अभिनेता जॉन अब्राहम ने 2 साल बाद इस फिल्म के जरिए शानदार वापसी की है। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री डायना पेंटी और बोमन ईरानी के साथ कई एक्टर्स नजर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।